लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में कोहराम मचा है। झारखंड में अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस अब खुद के भीतर खाने की लड़ाई से परेशान है। गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भी पार्टी के दो गुटों में जमकर बवाल हुआ। इस घमासान पर आलाकमान ने काफी सख्त रुख अपनाते हुए 25 वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब किया है। दिल्ली में 3 अगस्त को एक बैठक बुलाई गई है। यह बैठक कांग्रेस मुख्यालय में होगी। इसमें प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार, प्रदीप बालमुचू और सुबोध कांत सहाय समेत सूबे के कई वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। बैठक में जारी विवाद को सुलझाने की कोशिश होगी। बैठक में हर मसले पर चर्चा होगी। प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी और कलह की कहानी कोई नई नहीं है। मौजूदा वक्त में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय के खिलाफ नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कईयों पर कार्रवाई भी हुई जिसने विरोध की आंच और तेज कर दी। झारखंड में 6 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में जहां सभी दल अपनी रणनीति में जुट गए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी कलह से जूझ रही है। ऐसे में पार्टी का क्या होगा, यह सवाल आलाकमान को भी परेशान कर रहा है। क्या पार्टी का नेतृत्व बदलेगा या फिर कोई और कार्रवाई होगी, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्योंकि दिल्ली दरबार की निगाह झारखंड में टिकी है। खुद राहुल गांधी भी झारखंड का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में वजह कुछ भी हो, लेकिन कलह, किचकिच और घमासान से जूझ रही पार्टी चुनावी मैदान में क्या और कैसे दम दिखाएगी, यह सवाल आलाकमान को भी परेशान कर रहा है। आगे क्या होगा, या तो दिल्ली तलब नेताओं की क्लास में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11।